गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 14.3 करेंगे और इसमें डिवीजन सीखेंगे। अभी नॉर्मली हमने संख्याओं की डिवीजन तो छोटी क्लासेस में हम करके आ चुके हैं, लेकिन 8th क्लास तक आते आते हमें एक नई चीज मिली है, ये जो चर वाली संख्याएं जो होती हैं इनकी डिवीजन कैसे करनी है, इनका भाग कैसे करना है, इनको कैसे सही से लिखना है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में सीख पाएंगे। चलते हैं। अब ये तो इंग्लिश मीडियम में आपने देख लिया क्या लिखा है। कैरी आउट ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन, एक्सरसाइज 14.3 हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में है, निम्नलिखित विभाजन कीजिए, निम्नलिखित को विभाजन कीजिए, निम्नलिखित का विभाजन कीजिए, या निम्नलिखित जो पद दे रखे हैं इनको विभाजित कीजिए। 14.3 एक्सरसाइज, ओके, प्रश्नावली 14.3। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एक्सरसाइज 14.3, एक्सरसाइज 14.3, इसके अंदर जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर वन है, फर्स्ट पार्ट। अट्ठाईस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 56x। तो देखो बेटा, दो चीजें आपने सीखी थी, एक तो कॉमन निकालना सीखा था और दूसरी चीज सीखी थी बेटा आपने भाग करनी। तो देखो दोनों तरीके यहाँ पे हम सीखते हैं थोड़ा सा कैसे। पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। जैसे 28 एक्स की पावर 4 पहले सही से लिखेंगे, इसे रीअरेंज करेंगे, मतलब अपन इस डिवाइड की जगह अपन का निशान लगाएंगे, बटे का निशान लगाएंगे और 56 को उसके नीचे लिख देंगे और फिर एक्स लिखेंगे, ठीक है भाई। फिर उसके बाद यहां पर 28 को तो एज इट इज रहने देंगे, x की पावर 4 को हम लिखेंगे x इंटू में x की पावर 3। हमने ऐसा क्यों लिखा वो बताता हूं बेटा, अभी जस्ट नीचे वाला पॉइंट लिखेंगे। 56 को 28 इंटू में 2 इंटू में x, 28 दूनी 56, ठीक है। या तो देखो बेटा इस तरीके से, अच्छा पहले इसका बताता हूं क्यों लिखा। क्योंकि यहां पे x की पावर 4 था, तो x की पावर 4 को मुझे x से काटना था, नीचे x था सिर्फ, तो इसलिए मैंने देखा कि सिर्फ x इंटू में x की पावर 3। ये मैं पहले बता चुका हूं, अगर x की गुणा x से करेंगे तो x की पावर 2 होता है, अगर x की गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो x की पावर कितना होता है, 3 होता है, क्योंकि पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। x की पावर 2 से x की पावर 2 की करेंगे तो x की पावर 4 आएगा, या x की मल्टीप्लाई x की पावर 3 से करेंगे, कितने x की पावर 3 से करेंगे तो x की पावर 4 आएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बताया गया कि आपको कैसे इसको मानना है या लेना है वैल्यूज को, ओके बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या चीज देखी कि जब हमें इतना क्लियर हो गया तो हमने क्या करा, x की पावर 4 को x इंटू में x की पावर 3 लिखा ताकि नीचे वाले x से वो काटा जा सके। अच्छा, 28 और ये दो मैंने, या तो बेटा आप ऐसे इनको डायरेक्ट 56 और 28 इंटू में 2 कर लीजिए। नहीं आता है समझ में तो आप एक काम कीजिए, एक तरीका और बताता हूँ, एक स्टेप और ले लेता हूँ, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, कैसे 28 का एलसीएम लीजिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। तो देखो 28 की जगह आप लिखोगे 2 इंटू में 7 और x की पावर 4 को x इंटू में x इंटू में x इंटू में x, 4 पावर 4 है तो 4 बार लिख लीजिए। एक तो तरीका ये हो गया, एक तो मैंने ये बता दिया, दूसरा तरीका ये बता रहा हूं, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक स्टेप आप नोट कर सकते हैं, या तो ये वाला स्टेप नोट कर लीजिएगा या फिर ये वाला, दोनों नोट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद या तो इसे नोट कीजिए इसके बाद, या फिर इसे नोट कीजिए, एक को नोट कर लीजिएगा। 28 को आप या फिर दोनों नोट करना चाहे तो आपकी मर्जी है। फिर 28 के बाद 56 की निकालते हैं, 56 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, 2 इंटू में 7 इंटू में x। अब देखो जो जो कटता है उसे काट लो, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो क्या बचा, x की पावर 3 बचा ऊपर और नीचे कितना बचा, 2 बचा। तो हम इससे लिख सकते हैं 1/2 x की पावर 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट की तरफ। तो बेटा या तो देखो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा, दोनों में से कोई भी आंसर आपका हो सकता है।
तो अगर आप ये भी आंसर लिख के आओगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और ये लिख के आओगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखें, तो आप अपना आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं। हाँ भाई, इस फॉर्मूले को बात वही है, देखो आंसर इससे वही निकलेगा। आप देखो 28 से 28 को कट करो, ठीक है, x से x को कट करो, x की पावर 3 बचा अपॉन में 2 बचा, बात वही होगी बेटा। आप इस देखो इसमें क्या होगा, अगर आप कैलकुलेशन करना जानते हैं, थोड़ी गुणा भाग जमा करना जानते हैं, जमा घटा गुणा, तो आपको फैक्टर करने में मुश्किल नहीं होगी। पिछले जितने भी चैप्टर्स आप करके आए हैं उनमें अगर आपने किया है फैक्टर्स, तो आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फैक्टर्स करने में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर तो आपको पूरा पूरा ओपन करके एलसीएम निकाल के तब उसको डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आई? और नहीं तो ये ज्यादा आसान है आपके लिए, ये पूरा एलसीएम निकालना, फिर दूसरा एलसीएम निकालना, फिर उसको डिवाइड करना, तो ये थोड़ा लेंथी हो जाता है ये वाला तरीका। ये थोड़ा इसके बाद सीधा ये स्टेप और उसका सीधा आंसर, आप देख सकते हैं 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब हम इसमें सारे में एलसीएम निकाल कर नहीं दिखाऊंगा मैं इसमें आपको, उसकी वजह यही है कि अब आपको समझ में आ गया कि एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं। मैंने एक तरीका वो बता दिया एलसीएम लेके, और दूसरा तरीका ये बता दिया कि बिना एलसीएम लेके, तो हम बिना एलसीएम के ही करने वाले ज्यादातर में इसमें। तो देखते हैं जरा कैसे सेकंड पार्ट को। माइनस का 36 वाई की पावर 3 फिर कितना है डिवाइडेड बाई 9y स्क्वायर। ओके, अब देखो इसके अंदर क्या करना है, माइनस 36 9y स्क्वायर, तो माइनस का 36 और y की पावर 3 डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड की जगह बटे का निशान लगाओ, 9y स्क्वायर। अब देखो एक तरीका और बताता हूँ, दो तरीके तो आपने वहां सीखे कि उस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा आपने देखा था, आपको काटना सिखाया जाता है कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को काट लो, जैसे 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये खत्म हो गया। अच्छा 3 में से 2 घटा दो, तो माइनस का 4 वाई की पावर 3 माइनस 2, तो कितना बचेगा, माइनस 4 कितना जाएगा, वाई माइनस 4 वाई, वाई की पावर 1 का हो गया वाई, ये आंसर होगा इसका। तो तरीका एक और है, और अभी कह रहा हूँ मैं क्वेश्चंस में एक ही तरीका नहीं बताता बेटा, कई सारे तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड में बोला 66 p³² r³ / 11 q r², ठीक है बेटा। अब देखते हैं इसको कैसे, अभी तो सही से लिखेंगे। देखो 66 थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, 66 p³² r³ / 11 q r². देखो r स्क्वायर से यहाँ पे पहले 11 × 66, 11 के टेबल 11 × 66 आ गया, 6 तो आपने यहाँ लिख लिया, p एज इट इज लिख लेंगे, q की पावर 2 है यहाँ पे, और नीचे कितना है q की पावर 1, नीचे कितना है q की पावर 1, माइनस 1 कर देंगे, ऊपर कितना r³, नीचे कितना r² जो नीचे वाली संख्या उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 तो एज इट इज लिखेंगे, p को एज इट इज लिखेंगे, 2 में से 1 गया 1 मतलब सिर्फ q की पावर 1 मतलब q बचेगा, 3 में से 2 गया 1 मतलब r³ मतलब r बचेगा। अच्छा एक तरीका और बताता हूं बेटा, इसमें देख लेता कोई क्वेश्चन ऐसा है या नहीं है। तो बेटा इसमें एक क्वेश्चन और बदल सकता है कैसे, मतलब मैं थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेना चाहूंगा। मैं लिख रहा हूं इसी को थर्ड ए नाम दे देता हूं इसको, 66 p³² r³ डिवाइडेड बाई 11 q·-1 और r² - 2 ऐसे ले लेते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा बदला है बेटा, यहाँ देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया, हो सकता है क्वेश्चन आपका ऐसे आए। तो बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्या है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर 66 p³² r² आपने यहाँ देखा, तो इसमें देखो क्या चीज ले रखी है हमने। देखो यहाँ पे पावर माइनस वन लगाई है मैंने, एक पावर को मैंने माइनस में ले लिया है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, 66 p³² r³ अपॉन में 11 q·-1 r² 2, तो देखो जो डिफरेंस क्या आ जाएगा इस वाले केस में, 11 × 66 तो एज इट इज रहेगा, 6 ले लेंगे, p को भी एज इट इज ले लेंगे, q की पावर देखो यहाँ q की पावर 2 थी, यहाँ पे अब माइनस वन आ गया, तो अब जब आप इसे ऊपर लेके जाओगे माइनस वन को तो प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि साथ में क्या हो जाएगा प्लस का 1, लेकिन वो क्यों के साथ होगा, आर के साथ नहीं। अब आर में देखो आर की पावर यहाँ 3 है, इसमें तो कोई साइन नहीं है, तो प्लस का होता है, कौन सा होता है प्लस का, इसलिए जब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है माइनस 2।
मतलब माइनस वाली संख्या को लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाली है बिना साइन वाली संख्या को लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तब देखो आंसर आएगा 6p, q की पावर 3 और r की पावर 1, मतलब r। अब आप समझ सकते हैं आंसर इसके यहाँ पे बदल चुका है। चलते हैं अब फोर्थ पार्ट की तरफ। इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ में कहा 34 x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 3 और फिर डिवाइडेड बाई 51 x y की पावर 2 z की पावर 3। चलो चलते हैं इसकी तरफ। बेटा फिर सही से लिख लेते हैं। देखो 34 x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 3, इसे डिवाइड का साइन लगाएंगे, 51 x y स्क्वायर z की पावर 3। देखो 17 दुनी 34, 17 तिया 51, 17 से दोनों कट सकते हैं, काट लिए हमने, 2/3 बचेगा यहाँ पे। अच्छा और क्या क्या बचेगा जरा देख लेते हैं ऊपर में। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, y की पावर 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, z की पावर 3 से z की पावर 3 खत्म। तो यहाँ का 2/3 x की पावर 2 और y की पावर 1, मतलब y, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। इसके फिफ्थ पार्ट में क्या कहा है। फिफ्थ में कहा 12 a की पावर 8, b की पावर 8 डिवाइडेड बाई माइनस 6 a की पावर 6, b की पावर 4। ओके, तो अब यहां पे क्या लेंगे, 12 को एज इट इज लिखेंगे, a की पावर 8 को भी एज इट इज लिखेंगे, b की पावर 8 को भी एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड की जगह अपॉन का साइन, माइनस का 6, a की पावर 6 और b की पावर 4। आपने इसको नोट कर लिया एज इट इज, बस डिवाइड की जगह अपॉन का साइन लगा लिया। 6 × 6 = 12, माइनस का साइन लेंगे और 2 बचा 2 लेंगे, a की पावर 8 माइनस 6। ओके, यहाँ पे b की पावर 8 माइनस 4। ओके, अब इसको माइनस 2 और कितना बचेगा, a की पावर 2 बचेगा और b की पावर 4 बचेगा, 4 बचेगा, 2 4 4 चलो कितना हो गया 4। ओके चलिए, तो इसके लिए तो क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या इंग्लिश मीडियम देख लेते हैं एक बार, और हिंदी मीडियम में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देख सकते हैं, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल, जो मोनोमियल दे रखे हैं उससे इन पॉलिनोमियल को डिवाइड कीजिए। अब आएगा थोड़ा काम का जो पॉइंट्स आए हैं, जो आगे आपको काफी हेल्प पहुंचाने वाले। दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पद से भाग कीजिए। तो बेटा देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तरीका वही, 5x² माइनस का 6x अपॉन में 3x, ऐसे लिखेंगे आप इसे। अच्छा अब कैसे इनको डिवाइड करना होता है, कैसे लिखना होता है वो समझ लेते हैं आपने। तो बेटा देखो कैसे इसको लेंगे, तरीका मैंने पहले भी आपको समझाया कि पहले इसमें से कॉमन निकालो, 5x × x माइनस 6× x अपॉन 3x एज इट इज लिखेंगे, x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 5x माइनस 6, ये देखो नीचे कितना है 3x। अब इसको काट सकेंगे तो क्या बचेगा, 5x माइनस 6 अपॉन 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे होगा या फिर ऐसे, 1/3 5x माइनस 6 ऐसे आएगा, तो ऐसे आंसर होगा या ऐसे आप कोई भी तरीके से लिख सकते हो। चलते हैं, ऊपर कुछ भी नहीं होता था, वहां से एक कॉमन लेते हैं और नीचे क्या आ जाए 3, इसलिए 1/3 इसको बाहर ले लिया हमने, तो बाकी 5x माइनस 6 रहेगा। ठीक है, जब नीचे वाली संख्या को हम बाहर लेते हैं तो तरीका यही होता है। तो बाकी अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे और समझाया था आपको इसको डिटेल में। क्वेश्चन नंबर टू का सेकेंड पार्ट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट में 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4, फिर उसके बाद यहाँ पे डिवाइडेड बाई y की पावर 4। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे y की पावर 4 दिया है। अब देखो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो आप इसको दूसरा तरीका और बताता हूँ, उस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 3y की पावर 8, ठीक है, डिवाइड बोला है उसने तो मतलब माइनस का साइन यहाँ लगा और 4 लिख दो, y की पावर 4 था इसलिए 4 लिख सकते हैं आप। ठीक है बेटा, क्योंकि डिवाइड बोला है y की पावर 4 है तो उस समय से y की पावर 4 माइनस कर सकते हो आप।
माइनस फोर वाई की पावर सिक्स माइनस फोर प्लस फाइव वाई की पावर फोर माइनस फोर, तो थ्री वाई की पावर कितने हो जाएगा, यहाँ पे फोर रह जाएगा, यहाँ पे फोर वाई की पावर टू रह जाएगा, यहाँ पे फाइव वाई की पावर जीरो रह जाएगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, थ्री वाई की पावर फोर प्लस फोर वाई की पावर टू प्लस फाइव, ये सब, क्यों वाई की पावर जीरो का मतलब एक होता है, तो एक से गुणा करेंगे तो वाई फाइव हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। एक तरीका और, ट्रिक टू, अभी देखते हैं कि क्या करना है इसमें। ट्रिक टू, ट्रिक टू में क्या है, थ्री वाई की पावर एट माइनस फोर वाई की पावर सिक्स प्लस फाइव वाई की पावर फोर। ओके, डिवाइड बोला है तो डिवाइड के नीचे ऐसे लिखेंगे और वाई की पावर फोर लिख देंगे। अच्छा, एक चीज और बेटा, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ पे माइनस का लगाएंगे, प्लस का नहीं लगाएंगे आप, ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, तो भाई ऊपर से वाई की पावर फोर कॉमन ले लो, क्या ले लो, वाई की पावर फोर कॉमन ले लो। यहाँ पे तीन तरीके बताने वाला हूँ मैं अब आपको। देखो दूसरा तरीका ये हो गया, थ्री इंटू में वाई की पावर फोर इंटू में वाई की पावर फोर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस फोर इंटू में वाई की पावर टू इंटू में वाई की पावर फोर, ओके, प्लस फाइव इंटू में वाई की पावर फोर अपॉन में वाई की पावर फोर। ओके, तो यहां सबसे वाई की पावर फोर कॉमन ले लेते हैं, वाई की पावर फोर क्या बचेगा अंतर, थ्री वाई की पावर फोर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस फोर वाई की पावर टू बचेगा, यहाँ पे फाइव बचेगा, क्या बचेगा, फाइव, और नीचे कितना, वाई की पावर फोर, वाई की पावर फोर से वाई की पावर फोर कहता हूँ, आंसर हो जाएगा थ्री वाई की पावर फोर माइनस फोर वाई की पावर टू प्लस फाइव। ठीक है, एक तरीका ट्रिक थ्री। तो ट्रिक थ्री में मैं बस सिर्फ इतना लेना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखो कैसे इसको सही से करके लिखने वाला हूँ, जो ये क्वेश्चन था, ठीक है, उसको सही से करके कैसे, थ्री वाई की पावर फोर इंटू में फोर वाई की पावर फोर, अच्छा, फिर माइनस फोर इंटू में वाई की पावर टू इंटू में वाई की पावर फोर, ओके, फिर प्लस फाइव वाई की पावर फोर, ऐसे लिख लिया मैंने इसको, ठीक है बेटा, देख ध्यान से। इसके बाद जो डिवाइड में यहाँ दे रखा था वाई की पावर फोर, तो आप सबके नीचे वाई की पावर फोर लगा देंगे, वाई की पावर फोर वाई की पावर फोर वाई की पावर फोर, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, आंसर थ्री वाई की पावर फोर माइनस फोर वाई की पावर टू प्लस फाइव, इसका आंसर हो जाएगा। ये तीन तरीके थे इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा देख सकते हैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें डिवाइड फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से हमें करना है, यहाँ पर अंदर सब में से क्या कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन लेना, जरा देखते हैं, थोड़ा सही से लिख लेते हैं इसको, एट उसके बाद, तो अब इसको देखो कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे एक्स की पावर टू x इंटू में x की पावर टू y की पावर टू z की पावर टू, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ देखो यहाँ पे x की पावर टू इंटू में y इंटू में y की पावर टू इंटू में z की पावर टू, ठीक है बेटा, यहाँ पर x की पावर टू y की पावर टू z की पावर टू इंटू में z, ठीक है, और नीचे कितना है अपन में फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फोर टू जा एट, ये तो टू आ गए आपके, ओके। अब इधर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा एक्स, यहाँ देखो क्या बचेगा वाई प्लस का, यहाँ पे फिर प्लस का साइन, फिर जेड बचेगा, ओके, और अब नीचे क्या बचेगा, नीचे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इससे ये खत्म, यहाँ बचेगा दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, जहां भी दिक्कत है आप दोबारा मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन, सभी से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे चुका हूँ, और नहीं लिखा है आपने अभी तक तो आप लिख लीजिए, मुझे डिस्कस कर सकते हैं आप इस नंबर पर 7836826860। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू का फोर्थ पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट, फोर्थ में क्या कहा, एक्स की पावर थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई टू एक्स। तो देखो बेटा सबसे पहली बात, यहाँ संख्या में टू तो कॉमन आएगा नहीं, तो हम एक्स से सबको डिवाइड कर देंगे, कैसे, देखो यहाँ पे लिखेंगे एक्स की पावर थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, ये लिखा हुआ है, डिवाइड की जगह अपॉन में और अपॉन में टू एक्स, हमने इसको सही से लिखा है,
अब क्या करते हैं ऊपर से x कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं x कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा तीन। अब ये सोचो कि सर कैसे बचा, तो वो भी मुझे बताने की जरूरत है क्या, जरा देखो दोबारा बताता हूँ। यहाँ देखो एक्स ही क्यूब का एक्स इंटू में एक्स की पावर टू लिख सकते हैं, टू एक्स स्क्वायर का टू इंटू में एक्स लिख सकते हैं। अच्छा और क्लियर कर देता थोड़ा सा लीजिए, और यहाँ पे 3x को 3 इंटू में x लिख सकते हैं। तो देखो x कॉमन यहाँ से ले लिया, एक x यहाँ से कॉमन ले लिया, एक x यहाँ से, तो क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा, 2x बचेगा और वहाँ पे 3 बचेगा। ओके यहाँ दोबारा अगर फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसको थोड़ा सा और खोल के लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप तक तो सीख चुके होंगे आप कैसे कॉमन लेना है, इतना खोल के लिखने की जरूरत नहीं है। x से x का टर्म x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 3 अपॉन में 2, क्योंकि जो मेरे चैनल पे नए आए हैं तो उनको तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इस बात को कैसे कॉमन लिया, चलो फिर भी उसे उनके लिए मैं थोड़ा खोल के दिखा देता हूँ, लेकिन जो मेरे चैनल पे शुरू से हैं लास्ट तक है उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो कैसे लिखा है इसको मैंने, एक्स क्यूब को एक्स इंटू में एक्स की पावर 2 लिखा, 2 इंटू में एक्स लिखा और 3 इंटू में एक्स लिखा प्लस 3 इंटू में एक्स। तो आप देख सकते हो, थोड़ा पास करके दिखा देता हूँ इस पॉइंट्स को, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो रही है आप सभी को इस चीज को लेकर, थोड़ा सा पास को लेकर आता हूँ। ये देखिए जो नए बच्चे उनके लिए समझ में आया कैसे कॉमन लिया, एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया, एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया, एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से एक्स कॉमन लेने पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे प्लस बचेगा, यहाँ पे 2x बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा इस तरह से। ओके उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अच्छा अब ये भी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा 1/2, या तो ये होगा या तो ये या फिर ये भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या कहा, p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस p की पावर 6 q की पावर 3 डिवाइडेड बाई p की पावर 3 q की पावर 3 ब्रैकेट में पूरा बन गया। चलते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ, कैसे करेंगे तो बेटा अभी सही से लिख लेते हैं, p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस से p की पावर 6 q की पावर 3 बटे में p की पावर 3 q की पावर 3, मतलब हमें नीचे वाले को काटने के लिए ऊपर से p की पावर 3 q की पावर 3 कॉमन लाना है निकाल के। तो देखो कैसे लेंगे, p की पावर 3 लिखेंगे और q की पावर 3 लिखेंगे और q की पावर 3 इंटू में q की पावर 3 लिखेंगे, देखो पावर क्या होती है जुड़ जाती है तभी तो 6 आया, माइनस p की पावर 6 को p की पावर 3 इंटू में p की पावर 3 इंटू में q की पावर 3 लिखेंगे। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे p की पावर 6 को p की पावर 3 इंटू में q की पावर 3, अच्छा और नीचे p की पावर 3 q की पावर 3 एज इट इज लिख लिया, ऊपर से ये कॉमन ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे p की पावर 3 q की पावर 3 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा q की पावर 3 बचेगा माइनस p की पावर 3 बचेगा, अच्छा नीचे क्या है p की पावर 3 q की पावर 3 इससे ये खत्म हो जाएगा, q की पावर 3 माइनस p की पावर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन, इन डिवीजन का वर्कआउट करना है, मींस निम्नलिखित जो ये डिजिट दे रखी हैं या जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं इनको विभाजित करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में देख सकते हैं निम्नलिखित विभाजन कीजिए, निम्नलिखित को विभाजित कीजिए। तो चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ, अब देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे, डाल लेते हैं एक्सरसाइज 14.3, तारीख आज कितनी है हमारे पास 13/1/2023 और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इसमें लिखा है 10x-25/5। बेटा एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कि इस चैप्टर के लास्ट तक आप इस एक्सरसाइज के लास्ट तक आप बने रहें, वैसे तो कहूँ पूरी इस चैप्टर के लास्ट तक बने रहें लेकिन इस एक्सरसाइज के लास्ट तक जरूर बने रहें। आपको इसके अंदर में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ इजी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी, जो काफ़ी आपको फ़ायदा पहुँचाने वाली हैं, इसलिए आप इस एक्सरसाइज के लास्ट तक बने रहें और ट्रिक्स भी आसानी से बताऊँगा इसमें। अच्छा अब यहाँ पे इसको तरीका है डिवाइड करने का, 10x को भी 5 से डिवाइड कर दो और -25 को भी 5 से, हमने देखा क्योंकि ये 5 से पूरे दोनों डिवाइड हो जाएंगे इसलिए हम दोनों को डिवाइड करते हैं, 5 2 10 5 1 5, तो 2x-1 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट में है यहाँ पे 10x-25
10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5 ये दे रखा है। देखते हैं, चलते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो 5 एकम 5 नहीं करना बेटा, 5 पंजे 25 रहेगा ना, तो यहाँ पे तो 2x माइनस 5 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसमें अब आंसर में देखो कैसे करने, इसको इसके अंदर कॉमन लेकर आना है। कैसे, सबसे पहले आप इसको थोड़ा तोड़ कर लीजिए, 2 इंटू में 5 इंटू में एक्स माइनस 5 इंटू में 5 ओके डिवाइडेड बाई की डिवाइड की जगह आप 2x माइनस 5 यहाँ लिखेंगे बटे के निशान लगा के। अच्छा 5 और 5 कॉमन ले लेंगे तो कितना निकलेगा, 2x माइनस 5 बचेगा और नीचे कितना 2x माइनस 5 है, 2x माइनस 5, तो 2x माइनस 5 से ये खत्म हो जाएगा, आंसर आएगा 5 ओके। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में 10y 6y प्लस 21 डिवाइडेड बाई 5 2y प्लस 7 ओके। यहाँ पे अब इससे कॉमन ले लेते, पहले इसमें से देखो कैसे 10y लिखेंगे एज इट इज, 2 3 जा 6 इंटू में y और 7 3 जा 21 डिवाइड कीजिए अपॉन का साइन 5 2y प्लस 7। अब इसके बाद 10 दोबारा 10y लिखेंगे इंटू में, यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, 3 बाहर जाएगा 2y प्लस में 7 अपॉन में 5 2y प्लस 7, 2y प्लस 7 से 2y प्लस 7 कहते हैं 5 2 जा 10 2 3 जा 6y 2 3 जा 6y इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में कहा 9x स्क्वायर y स्क्वायर 3x 3z माइनस 24 डिवाइडेड बाई 27xyz माइनस 8 ठीक है बेटा, ये दे रखा है। इसको पहले सही से हम इसमें इसे कॉमन ले लेंगे, ऐसे 9x स्क्वायर y स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा तोड़ लेंगे 3 इंटू में z इंटू में 3 अट्ठे 24 और डिवाइड की जगह अपॉन का साइन लगाएंगे 27xy लिखेंगे और यहाँ पर z माइनस 8 लिखेंगे। थोड़ा सा अगले स्टेप में और तोड़ेंगे ऊपर वाले को, तो 9 इंटू में x इंटू में x इंटू में y इंटू में y और इंटू में ये है ही 3, यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे 3 कॉमन लेंगे, z माइनस 8 बचेगा, z माइनस 8 और नीचे क्या है 27xy और z माइनस 8, तो z माइनस 8 से z माइनस 8 खत्म हो गया, x से x खत्म, y से y खत्म, 9 27 तो यहाँ और 3 से 3 खत्म, कितना यहाँ बचेगा z सॉरी x बचेगा, क्या बचेगा x इसका आंसर, x और y xy इसका आंसर हो जाएगा, x यहाँ बच रहा है और y बचा तो xy इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, तो 96abc3a माइनस 12 5b माइनस 30 और इसको डिवाइड किया है किससे, 144a माइनस 4 और b माइनस 6। तो बेटा ऊपर वाले को थोड़ा सा और ओपन कर लेंगे और इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले बाहर वाले को, कैसे देखो यहाँ पे लिखेंगे 12 से 12 अट्ठे 96 12 एकम 12 12 दूनी 24 फिर 4 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 यहाँ पे लिख लिया, तो 2abc बचेगा, 2abc यहाँ से हम इसको थोड़ा सा तोड़ देंगे या फैक्टर कर लेंगे, 3 इंटू में a माइनस 3 इंटू में 4 और यहाँ पे 5 इंटू में b माइनस 5 6 या 30 ओके। नीचे क्या है a माइनस 4 और b माइनस 6 और एक चीज और बची है यहाँ पे, क्या बचा है 3 ओके। 2 को ऐसे लिखेंगे, ए बी सी को भी ऐसे ही लिखेंगे, 44 के साथ बेटा ए बी सी तो कुछ नहीं था वहाँ पे देखो एक बार, नहीं कुछ नहीं है। अच्छा यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेंगे 5 तो यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस 4 बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे b माइनस 6 बचेगा। तो बेटा देखो यहाँ पे a 3 a माइनस 4 b माइनस 6 यहाँ लिखेंगे, तो बेटा देखो यहाँ पे a माइनस 4 है और यहाँ पे b माइनस 6 हो गया, b माइनस 6 है ना, b माइनस 6 b माइनस 6 ओके। यहाँ पे देखो a माइनस 4 से a माइनस 4 खत्म, b माइनस 6 से b माइनस खत्म, 3 से 3 खत्म, तो यहाँ पर क्या 5 2 जा 10 a b c ये बचेगा ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। तीन के अंदर ये पांच ही पॉइंट थे, फोर के अंदर भी पांच ही पॉइंट, जरा फोर देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा देगा। फोर के अंदर आप देख पाएंगे डिवाइड एज डायरेक्ट, इसको डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर भी कहा निर्देशानुसार भाग करना, जैसे मतलब जैसे दिया गया है, डायरेक्ट का मतलब जैसे दिया गया है उसी निर्देश के अनुसार इसको डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फोर, फोर का फर्स्ट पार्ट, फोर का फर्स्ट पार्ट है क्या है, फाइव टू एक्स प्लस वन थ्री एक्स प्लस फाइव और डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन। ओके, अब देखो यहाँ पे 2x, यहाँ पे सही से लिख लेंगे 5 टू एक्स प्लस वन और 3x प्लस फाइव, डिवाइड की जगह अपॉन का साइन लगाएंगे, 2x प्लस वन लिखेंगे और 2x प्लस वन से 2x प्लस वन खत्म, क्या बचेगा 5 3x प्लस फाइव, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, सेकंड में कहा उसने 26xyx प्लस फाइव वाई माइनस फोर और आएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई, तो डिवाइडेड हम बटे का साइन लगा 13xy-4। अब देखो y माइनस फोर से y माइनस फोर खत्म, x से x खत्म, 13 2 26 कितना हो जाएगा बेटा 2y, कितना हो जाएगा 2y और x प्लस फाइव, x प्लस फाइव। तो थर्ड पार्ट में आएगा, थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कहा इसने, 52PQRP प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर प्लस पी और फिर डिवाइडेड बाय कितना है 104 पी क्यू क्यू प्लस आर आर प्लस पी। ओके देखो आर प्लस पी से आर प्लस पी खत्म, क्यू प्लस आर से क्यू प्लस आर खत्म, 52 2 104 कैसे आप देख सकते हैं, 52 को 2 से गुणा किया, 2 2 4 2 5 10 104 होता है, तो 52 2 104 हो गया, पी से पी खत्म, क्यू से क्यू खत्म। अब देखो ऊपर क्या बचा, आर बचा, पी प्लस क्यू बचा और बट्टे में क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा, या तो ऐसे आंसर आएगा या 1/2 आर पी प्लस क्यू, इस तरीके से आंसर आ रहा होगा। दोनों ही तरीके से आपका आंसर सही है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर का कौन सा पार्ट, ये थर्ड था, हाँ ये थर्ड पार्ट था, ये थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कहा उसने, 20y+4y² + 5y + 3 फिर डिवाइड बाय 5y + 4 ब्रैकेट में 5 + 4 से y प्लस फोर खत्म, 5 4 20 बचेगा 4y² + 5y + 3। ओके फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, फिफ्थ में कहा एक्स एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स एक्स प्लस वन। बेटा यहाँ पे आपने पूरे इस क्वेश्चन में देखा होगा, क्योंकि ज्यादातर वैल्यूज ऐसे दे रखी हैं जो नीचे वाली वैल्यूज से ऊपर वाली वैल्यूज आसानी से कट जाती है, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन खत्म हो गया, x से x खत्म हो गया, x प्लस टू बचेगा और x प्लस थ्री बचेगा। तो बेटा ज्यादातर इसमें देखो सभी क्वेश्चन में हमने यही देखा कि 5 से 4 कट, 5 6 20 y प्लस फोर से y प्लस फोर खत्म, तो ये बच गया। ऐसे इस वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा, देखो r प्लस पी से r प्लस पी वाला ब्रैकेट खत्म, q प्लस आर से q प्लस आर वाला ब्रैकेट खत्म, सिंगल जो है सिंगल पी क्यू से सिंगल पी क्यू खत्म, 52 2 104 से 52 2 104 खत्म। ऐसे इस वाले में देखा 13 2 26 खत्म हो गया, x से सिर्फ सिंगल वाला x, y-4 से y-4 वाला ब्रैकेट खत्म हो गया। ऐसे इस वाले क्वेश्चन 2x+1 से 2x+1 ब्रैकेट खत्म, जो बचा वो लिख लिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 5, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज ए डायरेक्टेड, निर्देश अनुसार यहाँ पे व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देश अनुसार भाग कीजिए, आप देख सकते हैं। और इनको क्योंकि ये थोड़े से लंबे लेंदी तो होंगे और आसान भी हैं, दोनों तरीके से देखेंगे। और मैंने आपको इसके बारे में कौन सा एक्सरसाइज थी बेटा, 14.2, पहले मैं लिख दूँ क्वेश्चन नंबर 5 और इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें पहले मैं आपको दिखा दूँ और फिर बता दो 14.2 में क्या करवाया था, वाई स्क्वायर प्लस में 7y + 10 और डिवाइडेड बाई कितने से डिवाइड करेंगे, वाई प्लस फाइव से डिवाइड करेंगे। अब इसको पूरा सोल्व करेंगे, इसको पूरा सोल्व करना मैंने एक्सरसाइज 14.2 में बताया था। इसके अंदर 14.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 था, 4 था, देखो 5 था, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चंस करवाए थे मैंने,
और फाइव आपको घर से करने के लिए दिए थे, उन सब का तरीका मैंने बताया था कैसे इनको सोल्व करते हैं। तो पूरा तरीका देखते हैं कैसे इसको सोल्व किया जाएगा। तो इस कैसे सोल्व करना है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक पहले से ले लेते हैं। यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस में 7y प्लस 10 यहाँ पे लिया इसको हमने। अब इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, 10 एक यहाँ पे कोई संख्या नहीं, तो 10 एक हम 10 लेंगे, और 10 किसके बारे में, 2 5 10, 5 और 2 को जोड़ के कितना आएगा 7। तो वाई स्क्वायर प्लस में 5y प्लस में 2y प्लस 10, ठीक है बेटा। इस वाले सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, इस वाले में और इस वाले में दोनों में क्या कॉमन है, थोड़ा ओपन कर लेते हैं। वाई इंटू में वाई प्लस में 5 इंटू में वाई, और यहाँ पे 2 इंटू में वाई प्लस में 2 इंटू में 5 सॉरी 2 और 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, वाई और वाई कॉमन ले लेंगे इस वाले इसमें दोनों केस में। अब देखो इसमें वाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वाई प्लस 5 बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वाई प्लस 5 बचेगा। वाई प्लस 5, वाई प्लस 5 को कॉमन ले लिया जाएगा, और वाई प्लस 2 का y प्लस 2 बचेगा। तो इस तरीके हमारे पास दो आंसर निकले। अब इसको दोबारा लेते हैं, जो क्वेश्चन मिला हमें y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 अपॉन में डिवाइडेड बाई y प्लस 5, y प्लस 5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y प्लस 5 और y प्लस 2, y प्लस 2 लिख सकते हैं, और नीचे क्या आएगा, y प्लस 5 ये है, y प्लस 5 से y प्लस 5 खत्म हो गया, y प्लस 2 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये शॉर्ट ट्रिक बेटा, इसके आप पहले सारे क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है, इसके अंदर सातों के सातों क्वेश्चंस करो, तो इसको आसान करने का तरीका देखो, पूरा एक पेज का आया है, प्रॉमिस करता हूं इसको 3 स्टेप में आप कंप्लीट कर पाओगे, इतना आसान तरीका बता दूंगा। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और जरूर देखें इन सबको। पहले लॉन्ग मेथड क्या है इनका, क्योंकि जब तक लॉन्ग नहीं देखोगे तब तक शॉर्ट समझ नहीं आएगा बेटा, इसलिए ध्यान से देखें इसे। और क्वेश्चन नंबर 5 जरूर जाकर देखें 14.2 का, क्योंकि उसे भी समझना जरूरी है। एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 और डिवाइडेड बाई कितना है, m प्लस 2। तो अब इसको सही से 32 से कम 32 लिखेंगे, तो 32 किसके में आता है, 16 दुनी 32, 16 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 14। एम स्क्वायर माइनस 16m माइनस 2m माइनस 32। ध्यान से देखो बेटा क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32। ये क्वेश्चन हमने ले लिया था यहाँ से, इसको हमने थोड़ा सोल्व करके लिखा बीच वाले पार्ट को, कैसे, क्योंकि ये वाली चीज मैं बता चुका हूँ क्या करते हैं इसमें, हम पहले और लास्ट वाले गुणा करते हैं, और जो उसके जो गुणा करने का 32 है फिर उसको देखते हैं किसके पहाड़े में, उसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम करके उसके फैक्टर्स में ये देखते हैं कि गुणा करके 32 आना चाहिए, जोड़ के और घटा के बीच वाली संख्या आनी चाहिए। जैसे 16 प्लस 2 करो तो आप कितना आएगा 18, 18 तो नहीं आ रहा बीच में, 16 में से 2 माइनस करो तो कितना आएगा 14 आएगा। और इसका पूरा स्टेप अगर पूरा डिटेल में आपको जानना है तो आप जरूर बेटा 14.2 जाकर देखें क्वेश्चन नंबर 5 को, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे, उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है इसीलिए। तो अब देखो यहाँ पे एम स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस का 16m हो जाएगा, प्लस का 2m हो जाएगा, माइनस का 32 इसके अंदर से और इसके अंदर से, फिर हम फैक्टर करके कॉमन लेंगे, m इंटू में m लिख सकते हैं इसको, 16 इंटू में m लिखेंगे, और यहाँ पे 2 इंटू में m लिखेंगे, माइनस का 2 गुणा 16, 16 दोनों 32 होता है, इसलिए इस तरीके से लिख लेंगे। इसमें m m कॉमन आ जाएगा और m माइनस 16 बचेगा, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे और m माइनस 16 बचेगा, इस तरीके से m माइनस 16 को कॉमन लेंगे यहां से और m प्लस 2 बचेगा, इस तरीके से हमें मिल गया। अब हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन था m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 अपॉन डिवाइडेड बाय कितना था, m प्लस 2। तो अब आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, m माइनस 16 और m प्लस 2 लिखेंगे, ओके m प्लस 2 से फिर इसको जो नीचे बटे में था उससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचा, क्योंकि आपने देखो इसको क्या निकाला था अभी, m माइनस 16 m प्लस 2, तो वो आपने लिख दिया। अब इससे m प्लस 2 से m प्लस 2 को डिवाइड कर देंगे नीचे वाली संख्या से ऊपर को, तो m माइनस 16 इसका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या कहा है, इसमें थर्ड पार्ट में है 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस में 20 डिवाइडेड बाई p माइनस 1। ओके बेटा, अब इसको सही से लिखेंगे। पहले आप सबसे पहले इसमें एक सबसे पहला काम करें, आप इसमें 5 कॉमन ले लें। तो कैसे, पहले मैं लिख लेता हूँ 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस में 20, सही से लिख लेते हैं इसको। ओके 5 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो देखो 5p स्क्वायर लिखा हमने इंटू में, इसको 5 इंटू में 5p लिखेंगे और इसको 5 इंटू में 4 लिखेंगे। अब बेटा 5 5 5 तीनों में 5 है,
5 कॉमन लेंगे, p स्क्वायर माइनस 5p प्लस में 4, ये बचा। अब देखो इसके अंदर वाले, यहाँ 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 पे कुछ नहीं था, एक होता है, चार एकम चार, तो दो दुनी चार और चार एकम चार आता है। दो और दो को जोड़ेंगे बीच की संख्या नहीं आएगी, दो में दो घटाएंगे तो भी बीच की संख्या नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर चार में एक जोड़ेंगे तो पांच आ जाएगा, तो इसलिए इसको लेंगे, फाइव लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे लेंगे पी स्क्वायर माइनस फोर पी प्लस वन पी, ओके, क्यों चार में एक जोड़ेंगे तभी तो पांच पी आएगा, प्लस में चार लिखा है यहाँ पे। फाइव को एज इट इज लिख लेंगे, पी इंटू में सॉरी पी स्क्वायर को एज इट इज लिख लेंगे, माइनस का फोर पी माइनस का वन पी प्लस में फोर। अब इसको फैक्टर करेंगे, इनको इनमें से कॉमन लेंगे, फाइव पी इंटू में पी माइनस फोर इंटू में पी, ओके, इस वाले पेयर में और इस वाले में वन इंटू में पी प्लस में फोर वन जा फोर, ओके, इसमें से वन वन कॉमन हो जाएगा, इसमें से पी पी कॉमन हो जाएगा। तो देखो इसमें से जब हम पी कॉमन लेंगे तो क्या बने, पी माइनस फोर बचेगा, और यहां से जब वन कॉमन लेंगे तो देखो पी माइनस फोर, अब आप कहेंगे प्लस का, वेट वेट बेटा वेट, जब आपने कॉमन ले लिया माइनस का वन, क्या कॉमन लिया माइनस का वन, तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये मैंने पिछले इन क्वेश्चंस में सभी में बताया। तो आप उन उस एक्सरसाइज में जाकर उन क्वेश्चंस को जरूर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और अच्छे से p माइनस फोर कॉमन ले लेंगे और p माइनस वन बचेगा। अच्छा यहाँ पे फाइव है हमारे पास, ओके, अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ में, जो हमारा क्वेश्चन दिया था, फाइव पी स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव पी प्लस में ट्वेंटी डिवाइडेड बाई पी माइनस वन। इसको हम क्या लिख रहे हैं, फाइव पी माइनस फोर और पी माइनस वन लिख सकते हैं, और नीचे क्या रखा, पी माइनस वन, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा फाइव पी माइनस फोर। तो बेटा अब यहाँ देख सकते हो पी माइनस फोर बचा और फाइव बचा, इस तरीके से इसकी आंसर आ जाता है। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में कहा है फोर वाई जेड जेड स्क्वायर प्लस में सिक्स जेड माइनस का सिक्सटीन डिवाइडेड बाई टू वाई जेड प्लस एट, ओके बेटा। अब देखो क्या लिखे, फोर वाई जेड इसको जेड स्क्वायर, तो हम पूरे को ना लिखे, हम सिर्फ इतना ही ले लेते हैं जेड स्क्वायर को, फिर उसको बाकी के बाद में लेंगे, जेड स्क्वायर प्लस में सिक्स जेड माइनस का सिक्सटीन, तो सोलह एकम सोलह हो जाएगा, तो दो अट्ठे सोलह, दो अट्ठे आठ में से दो घटाएं कितना जाएगा छह, जेड स्क्वायर प्लस में आठ जेड माइनस दो जेड माइनस का सिक्सटीन। अब देखो इसमें और इसमें जेड, चलो मैं पूरे खोल दें, जेड इंटू में जेड प्लस में एट इंटू में जेड और माइनस का दो इंटू में जेड माइनस दो अट्ठे सोलह, क्योंकि अगर मैं अभी कॉमन लेता यहाँ जेड कॉमन लेंगे तो फिर कहते सर ये कैसे आ गया, फिर मैं ओपन कर लेता पूरे को। अब देखो यहाँ पे जेड जेड कॉमन ले लेंगे, जेड प्लस एट बचेगा, ओके बेटा, और यहाँ पे दो और दो कॉमन लेंगे माइनस का, तो जेड जब बाहर माइनस आ गया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, जेड प्लस एट हो जाएगा, जेड प्लस एट को कॉमन ले लेंगे, जेड माइनस टू बचेगा, ओके। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, कैसे, फोर वाई जेड जेड स्क्वायर प्लस में सिक्स जेड माइनस का सिक्सटीन और डिवाइडेड बाई कितना है टू वाई जेड प्लस एट, ओके। अब देखो y से y खत्म, टू टू जा फोर, टू जेड हो गया, और यहाँ पे ऊपर वाले क्या लिखेंगे, z प्लस एट और z माइनस टू, z माइनस टू, तो नीचे कितना z प्लस एट है, z प्लस एट से इसको डिवाइड कर देंगे, टू जेड और z माइनस टू इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में क्या कहा, फाइव पी क्यू पी क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू पी पी प्लस क्यू पी प्लस क्यू। तो देखो इसको फाइव पी क्यू, ये तो ऑलरेडी एक शॉर्ट ट्रिक है, इसमें तो डायरेक्टली इसमें आप चाहें तो बस सीधा सीधा आंसर लिखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, कैसे अभी बताता हूँ आपको, p प्लस क्यू, क्योंकि ऊपर वाले चार क्वेश्चन हमने करे उसकी शॉर्ट ट्रिक में आपको बता दूंगा, पहले इसको समझे कैसे आसानी से हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार जब ऐसी स्थिति होती है तो उनको एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं बेटा, ठीक है, बस आपको यही काम करना है। देखो फाइव पी क्यू लिख लिया, एक बार प्लस में लिख लीजिए और एक बार माइनस में लिख लीजिए। अब देखो आंसर आ गया खुद से टू पी और पी प्लस क्यू, तो ये तो खत्म हो गया, क्या पी से पी खत्म हो गया, क्या बचा पांच बट्टे दो क्यू पी माइनस क्यू, तो बोलो कितना ज्यादा लंबा चौड़ा हुआ, नहीं थोड़े से समय सिमट गया, बस वही देखना है आपको कि ये तो ऑलरेडी इजी दे रखे हैं, लेकिन जो अगले क्वेश्चन हैं, जो इसके पहले चार क्वेश्चन हैं, उन्हें थोड़ा टफ दे रखा है, काफी पड़े हैं, तो मैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको जरूर बताने वाला हूँ। इतने लिख लेते हैं, ट्वेल्व एक्स वाई नाइन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन वाई स्क्वायर
और यहाँ पे डिवाइड बाई फोर एक्स वाई थ्री एक्स प्लस फोर वाई। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पे 12xy को एज इट इज लिखेंगे, इसको ध्यान से लिखेंगे, जो 9 दे रखा है आप इसको क्या करने वाले हैं, इसको लिखेंगे 3। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर और यहाँ पे 4y का होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्या करें सर। तो देखो इजी हो गया, अब इसको सही से लिख पाएंगे अगले स्टेप में, 4xy और 3x प्लस 4y। पहले हम इसको सही से तोड़ देते हैं, x से x खत्म, y से y खत्म, 4 3 12। यहाँ आप देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, और इसको लिखेंगे 3x प्लस 4y, और क्या लिखेंगे 3x माइनस 4y। अभी बताया था मैंने आपको, जब स्क्वायर में दे रखी हो बीच में माइनस साइन है, आप क्या करोगे उसको एक बार प्लस में लिख लोगे एक बार माइनस में, 3x प्लस 4y से 3x प्लस 4y खत्म, और 3 बचेगा, और क्या बचा 3x माइनस 4y, इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो 57 पार्ट की तरफ चलते हैं, और 39y की पावर 3 और 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड बाई 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। अच्छा आप देखो कैसे लिखें, 39y की पावर 3 को मतलब हम क्या कर सकते हैं, देखो y की पावर 3 का मतलब है y इंटू में y इंटू में y, ऐसे भी लिख सकते हैं, y इंटू में y स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, y इंटू में y स्क्वायर लिखा। अच्छा यहाँ पे 50 दे रखा है बेटा, यहाँ से हम क्या करेंगे 2 कॉमन निकाल लेंगे, कैसे जरा दिखाते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे 2 इंटू में 25y स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू में 49, ओके, डिवाइडेड बाय लिखेंगे 36y स्क्वायर और 5y प्लस 7। अब देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कहता हूँ, और यहाँ पे 26 है, 13 2 26, 13 3 39, 3y है यहाँ पे, 3y बचा। अच्छा ऊपर से क्या कॉमन निकल के आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा निकल के, यहाँ से क्या बचेगा 25 25y को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, और y का स्क्वायर वहाँ दे रखा है, तो इसको हम लिखेंगे 5y का स्क्वायर, 25y का स्क्वायर 25y का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कैसे इसको लिखने वाले, 5y का स्क्वायर, और इसको यहाँ पे 2 तो कॉमन ले लिया हमने बाहर, 49 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे 7 का। अच्छा नीचे क्या बचा हुआ है, 2 5y प्लस में 7, अब देखो 2 से 2 खत्म, 3y बचेगा, और 5y इसको लिखेंगे 5y प्लस का 7 और 5y माइनस का 7। नीचे क्या दे रखा है, 5y प्लस का 7 दे रखा है, इससे ये खत्म, 3y 5y माइनस 7। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी पूरी होती है। अब चलते हैं शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अच्छा यहाँ पर आपकी शॉर्ट ट्रिक्स का इंतजार बिल्कुल खत्म हुआ, और शॉर्ट ट्रिक पसंद आए तो बेटा तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नहीं किया है तो, और लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक आपके जितने व्यूज हैं उतने लाइक बने रहेंगे तो मुझे भी अच्छा रहेगा, और मैं और अच्छे से आपको वीडियोज बनाऊंगा और इजी शॉर्ट ट्रिक्स से उसको सोल्व करवा दूंगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखें कैसे इसको सोल्व करेंगे आसान तरीके से, डिवाइडेड बाई वाई प्लस 5 को। तरीका देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या बताया था, पहले और लास्ट की गुणा करेंगे। तो आप देख सकते बेटा मैंने क्या अभी क्या बोला, पहले और लास्ट की संख्या ही गुणा करते हैं। देखो क्या करेंगे, पहले और लास्ट की संख्या ही गुणा, मैंने थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, पास में लेके चलता हूँ। देखो यहाँ पे 10 एकम 10, और 10 एकम 10 का 2 5 10, 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। तो देखो ध्यान से अब आपको और करना है, जब ये दो संख्या आपको यहाँ मिल गई है, 5 और 2 7 को, 5 और 5 को 2 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 7, ये तो हमें मालूम हो गया। तो हम यहाँ आंसर आएगा y प्लस 2 और y प्लस 5, कैसे, ये जो है इसके साथ y प्लस कर दो, इसके साथ भी y प्लस कर दो, क्यों प्लस का साइन है, जो साइन दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि देखो आप क्या लिखने वाले, 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7, या 5 प्लस 2 का हो तो भी 7, तो मतलब y प्लस 5 y प्लस 2, और नीचे कितना दे रखा है 5, इससे ये खत्म, आंसर y प्लस 2 आ गया, जो कितना इजीली हो गया आप समझ सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इजी होगा, तुरंत वीडियो को शेयर करें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाएं इसे, ताकि औरों को भी इसके बारे में मालूम हो सके। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और लाइक भी जरूर कर दें अगर अभी तक लाइक नहीं किया। देखो सेकंड पॉइंट पे देखते हैं, एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 दे रखा है, डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड कर रखा है, m प्लस 2 से। चलो यहाँ देखते हैं आगे, इसको तो कैसे सोल्व करेंगे, 32 एकम
32 तो 16 दूनी 32, ठीक है बेटा। 16 में से आप 2 माइनस करोगे तभी तो 14 आएगा। अब देखो यहाँ पे खुद आंसर दे दे, क्या लिखोगे, m ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो m प्लस 16 और यहाँ पे क्या होगा, m माइनस 2। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक आपने की है, वो देखेंगे कैसे। देखो यहाँ पे काय का साइन है माइनस का, तो इसका साइन बदल देंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये माइनस का लेंगे और इसे प्लस का लेंगे, तो यहाँ पे m माइनस 16 होगा और यहाँ पे m प्लस 2 होगा। बात समझ में आ गई, ये गलती मत करना, क्योंकि देखो यहाँ पे आपने नोटिस किया कि यहाँ प्लस का साइन था, तो मैंने कोई साइन नहीं बदले, जो साइन था सेम एज वही लगा दिया। लेकिन जब यहाँ पे आपने यहाँ 16 लिया है, क्या लिया है, 16 माइनस 2, तुमने लिखा 16 माइनस 2, 16 में 2 माइनस करो तो 14 आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसके साइन बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, इसलिए माइनस का 16 प्लस का 2, एम माइनस 16 एम प्लस 2 लिखेंगे, डिवाइड की जगह डिवाइड और एम प्लस 2 इससे भाग कर देंगे, एम माइनस 16 इसका आंसर आ जाएगा। तीन स्टेप में आंसर आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या कहा, थर्ड पार्ट में कहा है 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस में 20, अगर ध्यान कहीं और है तो यहीं पर ले आइए आप अपने ध्यान को, और एक बार फिर से बताता हूं शॉर्ट ट्रिक, फिर से देखें आप, 20 पंजे 100, तो 20 पंजे 100, ये तो बोला 20 पंजे, 20 प्लस 5, देखो ध्यान से, ये मतलब 20 में 5 जोड़ेंगे तभी तो 25 होगा, लेकिन ये साइन माइनस का, तो माइनस का 20 और माइनस का 5 हो जाएगा, तो मतलब आप यहां लिखेंगे एक चीज और बेटा यहाँ पे, उससे पहले एक काम और करने, 20 माइनस 5 से पहले इसको थोड़ा और कर लें सोल्व, कैसे, पहले 5 कॉमन ले लें, इसका 5 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस कितना बचेगा, 5p प्लस में 4, अब करें 4 एकम 4, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 4 प्लस 1 क्या होगा 5, लेकिन साइन तो माइनस का है, तो माइनस का 4 और माइनस का 5, तो आप लिखेंगे 5p माइनस का 4p माइनस का 5, सॉरी 1, वेट दोबारा लेता हूँ इस क्वेश्चन को, थर्ड पार्ट वेट करो, दोबारा समझाता हूँ बेटा, कन्फ्यूजन नहीं, ध्यान से देखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं करनी है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं दोबारा ले लेता हूँ इस क्वेश्चन को, 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस में 20, जब भी किसी क्वेश्चन में पूरी डिवीजन हो रही है, मतलब ये देखना है आपको कि कोई ऐसी संख्या कॉमन निकल रही तो निकाल लो, जैसे इसके अंदर 5 कॉमन निकल रहा है, 5 कॉमन निकल, 5p स्क्वायर माइनस 5 इंटू में 5 पी और प्लस में 5 इंटू में 4, तो पहले इसका कॉमन निकाल लो, 5 कॉमन निकल जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस में 4 बचेगा, ठीक है बेटा, ध्यान से यहां इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है बेटा, दोबारा ऐसे क्लियर कर दिया मैंने आपको, अब देख समझ सकते हैं। अब देखो जो यहां बचा इस पे फोकस करो, अब देखो 4 एकम 4, तो 4 एकम 4 बोला है, तो 4 में 1 जोड़ूंगा तो बीच की संख्या जाएगी, अच्छा यहां पर बीच में माइनस का साइन दे रखा है, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो अब आप यहां लिखेंगे 5, तो एज इट इज पी माइनस 4 और पी माइनस 1, डिवाइड की जगह डिवाइड, पी माइनस 1 की जगह पी माइनस 1 और इससे ये खत्म, पी माइनस 1 से 5p माइनस 4 इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ के, 4yz, और देखें z स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस का 6z माइनस का 16 और डिवाइडेड बाय 2yz प्लस 8, तो देखो बेटा ये 2 से 2 जब 4, y से y खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 2z बचेगा। अच्छा ऊपर वाले को कैसे लिखेंगे, देखें ध्यान से, मैं दो ब्रैकेट बना देता हूँ और नीचे z प्लस 8 लिख देता हूँ, इन दो ब्रैकेट में क्या आएगा, 16 एकम 16, तो 8 दूनी 16, अगर मैं 8 में से 2 माइनस करूं तो कितना बचेगा, 6 प्लस का 8 माइनस का 2 है, तो यहां लिखेंगे, क्योंकि अब साइन तो माइनस का नहीं है ना यहाँ पे, तो एज इट इज ले लेंगे z प्लस 8 और z माइनस 2, z प्लस 8 से z प्लस 8 कितना 2z और z माइनस का 2 इसका आंसर आ जाएगा। अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताएं। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 14.4, तब तक के लिए गुड बाय।